सुतेश की बहस में हम बात कर रहे हैं ट्विटर के खिलाफ एफआईआर पर, क्योंकि ट्विटर पर एक पोस्ट की गई जिसमें एक मसले को, जो आपसी विवाद का मसला था, उसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। उस पर लगातार ट्वीट भी हुए और बड़े बड़े राजनेताओं ने भी उस पर ट्वीट कर दिया। अब वहां के लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM चीफ और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से मनोज यादव जी हैं, पवन दुग्गल जी हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट आलोक शर्मा जी हैं। पवन जी के पास में गया था, उनका ऑडियो कम हो गया था, इसलिए इस बहस की शुरुआत उनसे ही करूँगा। लेकिन सबसे पहले मनोज गुप्ता, मेरे एक दर्शक दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनोज जी, क्या आपको ये कार्रवाई उचित लगती है? जी दीपक जी, सोशल मीडिया की किसी भी बात को रखने का एक बहुत ही मजबूत माध्यम है, लेकिन फेक न्यूज़ की बाढ़ ने इसकी विश्वसनीयता को बहुत कम कर दिया है, जिससे देश का माहौल बिगड़ रहा है। इस तरह की अफवाहों पर लगाम लगाना बहुत ही जरूरी है। सरकार का यह कदम मुझे बिल्कुल उचित लगता है। नियमों का होना और उन्हें माना जाना बहुत ही जरूरी है। बिना नियमों के किसी भी देश को चलाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, जिस तरीके से आज की डेट में गांव-गांव से हर बच्चा तक सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, अगर इस तरह की फेक न्यूज़ मार्केट में फैलेंगी तो उससे हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सरकार का कदम वाकई सराहनीय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इतना ही वक्त था मेरे पास आपके लिए। सीधे मैं चलता हूँ यहाँ से पवन दुग्गल जी के पास। पवन दुग्गल जी, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं सरकार के नियमों को ट्विटर को मानना ही चाहिए। आपकी आवाज कट गई थी पिछली बार जब आप बोल रहे थे, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। मैं सीधे आपसे चाहता हूं, क्या ट्विटर पर यह कार्रवाई उचित है और आने वाले समय में सरकार को क्या करना चाहिए? फिलहाल कार्रवाई दीपक जी ट्विटर के बदलाव हुई है, कानून के अधीन हुई है। कानून ने बहुत स्पष्ट एक मैसेज कहा था कि साहब मेरे प्रावधानों का पालन करिए, पालन ना करिए तो फिर कानूनी जो परिस्थितियां उसका सामना करिए। ये जो IT रूल 2021 में आए थे वो 25 फरवरी को आए, 90 दिन का समय दिया गया इन बड़े सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को कि वो एडिशनल कंप्लायंसेस के साथ पूरी तरीके से कंप्लाई कर ले। जैसे ही 90वां दिन खत्म हुआ, कानून का जो रूल 7 था IT रूल्स का, वो एक्शन में आ गया। रूल 7 कहता है कि आप पालन नहीं किया तो जो सुरक्षा कवच कानून ने आपको प्रदान कर रखा है वो आपसे छीन लिया जाएगा। और कानून छीनेगा, कोई सरकार नहीं छीनेगी, कोई अदालत नहीं छीनेगी, कानून के प्रावधानों की वजह से छीन जाया जाएगा। मतलब कि अब आप बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे, आपको हर और दूसरी बात जो रूल 7 ने बोली वो ये कि अब आपको तैयार होना पड़ेगा क्योंकि आपके विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई होगी, आपकी टॉप मैनेजमेंट को हिरासत में लिया जा सकता है, उनको सजाएं दी जा सकती है विभिन्न ऑफेंसेस में, अपराधों में जो भारत के IT एक्ट में या भारतीय दंड संहिता में पूरी तरीके से दर्ज हैं। तो जैसे ही वो 90 दिन खत्म हुए, वो सुरक्षा कवच ट्विटर का चला गया। कोशिश है और आप यही चाहते हैं कि किसी भी तरह उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करो, इसीलिए जानबूझकर उत्तर प्रदेश को टारगेट किया जाता है। उसे चारों ओर था। अब जब गाजियाबाद पुलिस ने FIR दर्ज करी है तो ये पहला आक्रमण हुआ है, आखिरी आक्रमण नहीं है। आने वाले समय में और आक्रमण आएंगे, और FIRs आएंगी, और प्रकार के केसेस दुनिया मतलब पूरे देश भर के शहरों में फाइल किए जाएंगे। और ये इसलिए किए जाएंगे क्योंकि ट्विटर ने एक दृढ़ संकल्प करके निर्णय लिया कि मैं भारतीय कानून का पालन नहीं करूंगा। कानून कहता है कि सर आप मेरा ये प्रावधानों का पालन करते तो मैं आपको ये सुरक्षा कवच था बरकरार रखता। सुरक्षा कवच के तहत कानून कहता है कि दुनिया भर में आपको कोई बंदा कहां पर भी मुकदमा कर दे, नो प्रॉब्लम। हम बात कर रहे हैं कि ट्विटर के खिलाफ पहली FIR हुई है और ये मामला गाजियाबाद का है, जहां पर एक बुजुर्ग की पिटाई हुई। उसके बाद ट्विटर पर एक न्यूज शेयर की गई कि जय श्री राम जबरदस्ती कहलवाने के लिए उसकी पिटाई की गई और साथ में उसकी दाढ़ी भी काट दी गई। 72 साल के बुजुर्ग थे, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो मालूम पड़ा ये आपसी विवाद था, ताबीज बनवाने और उसके न असर न करने को लेकर विवाद था। एक बार फिर से आलोक शर्मा जी के पास चलते हैं। आलोक जी, तकनीकी खामियों की वजह से आप सब लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। यहां पर BJP कह रही है कि चूंकि योगी आदित्यनाथ एक योगी है, भगवा कपड़े पहनते हैं, तो जानबूझकर उन पर हमले करते हैं राजनीतिक दल, इसी वजह से क्योंकि उनको पसंद नहीं आते कुर्सी पर बैठे हुए योगी देखते हुए। कि मुझे लगता है योगी साहब अगर अपने आप को योगी मानते हैं
तो कम से कम उनको एक बार देश से माफी मांगनी चाहिए कि जो गंगा किनारे जो तांडव हुआ लाशों का, और हिंदू लाशें उसमें मैक्सिमम थी, और उनको जिस तरह से अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं मिला, मुझे लगता है योगी साहब अगर कहीं थोड़ी सी भी से माफी मांग लें। दूसरी चीज, जो राम मंदिर ट्रस्ट का जो घोटाला सामने आया है उसकी एक FIR करवाएं या CBI से जांच करने का, अगर योगी जी में थोड़ी सी भी कहीं इज्जत और कहीं पर शर्म बाकी है तो CBI जांच के लिए उनको तुरंत करना चाहिए। आज उनको चक्रपाणी जी का और तमाम जो हिंदू संत हैं उनकी भावना का ख्याल रखते हुए ये तो इतना तो कर ही देना चाहिए। लेकिन वो योगी के कपड़े वेश में जरूर हैं, लेकिन जिस तरह का शासन उनका रहा वो कहीं पर भी एक योगी का शासन या रामराज्य जिसकी दुहाई देते आए हैं वो उसके आसपास भी नहीं रहा। दूसरी चीज अब आती है कि गंगा किनारे से तो हमने बात की ही, आपको याद होगा इंस्पेक्टर सुबोध भी था, उसका क्या हुआ? आज योगी जी की सरकार है वहां पर, पता करना चाहिए कि भाई वो इंस्पेक्टर हिंदू था, मुसलमान था, क्या था। वो टूल किट पर जो FIR होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई, ये संबित भाई को जवाब देना चाहिए। जहां तक बात ट्विटर की है, बीजेपी मुद्दे से बट के ना, जिस मुद्दे की आपने बात की उसी पर रहते हैं, सीधे मनोज यादव जी के पास चलता हूँ। मनोज यादव जी जवाब। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को और पूरे उनके परिवार, राहुल गांधी जी जो पहुंच गए भाई योगी जी और गंगा किनारे भी थोड़ी सी बात कर लिया करो आप मनोज जी। आप देखिए आलोक, नहीं आप हिंदुत्व के ठेकेदार बन जाते हैं और फिर जब हिंदुत्व का सवाल पूछा जाता है तो आप हाथ खड़े होते हैं। देखिए 1984 के 1984 में जो सिकंदर सनार हुआ उसके लिए माफी मांग लेना चाहते हैं हम, वर्तमान में जीना चाहते हैं सोनिया गांधी को और पूरे परिवार को। अरे हम वर्तमान में जीना चाहते हैं, हजारों लाशें वहां पर हिंदुओं की दफन कर दी गई, गंगा जी के किनारे उसके लिए जिम्मेदार थे। अच्छा आलोक जी सुन लीजिए ना, पिछली बार भी आपने बोलने नहीं दिया उनको, सुन लीजिए। जो हमला किया, हमला किया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अरे वो इन उनको माफी मांगनी चाहिए, भगवान राम को 2007 में हमने लेकिन हमें इनको माफी मांगनी चाहिए भगवान राम से। लेकिन ऐसा है, ये लोग जाति और संप्रदाय को खोजते हैं, ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले, जिनके राहुल गांधी जी कहते हैं ये मुसलमानों की पार्टी है, प्रमोद जी कहते हैं कि ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है सबसे पहले इस देश के ऊपर। देखिए ऐसा है कि बाटला इनकाउंटर में मुसलमानों को गले लगा, आतंकियों को गले लगाने के लिए कौन गई थी? सोनिया गांधी जी गई थी। तो ये लोग केवल और केवल विभेद फैलाना, प्रोपेगेंडा चलाना, दुष्टीकरण की राजनीति करना, सो कॉल्ड सेकुलर गैंग जो चाहती है कि देश के अंदर अरे भाई वो टुकड़े टुकड़े वाले कितने जेल में जरा बता के जाना शो में मनोज जी। नहीं वो टुकड़े टुकड़े वाले कितने जेल में जरा उत्तर बता के जाना। राहुल गांधी के पास में गांधी जो उधारी का सरनेम है, इसके अलावा एक योग्यता बताइए राहुल गांधी के पास में उधारी के सरनेम गांधी के अलावा एक उपलब्धि बनाइए, एक उपलब्धि बनाइए। केवल जीरो पर आलोक जी, ऐसे में दोनों की आवाज नहीं समझ आएगी। आलोक जी थोड़ा सा शांत हो जाइए, मनोज जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे पास कुछ वक्त अभी और भी बका है। दीपक जी ऐसा है, मेरा स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से ये ट्विटर जीवी और जो ट्विटर के जो लीडर है उनको मिर्ची लगने लगी है, और मैं तो ये कहता हूं कि जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। और इनको माफी, मैं तो कहता हूं आलोक जी को माफी मांगनी चाहिए, जो गलवान में शहीद है उनके लिए प्रोपगंडा चलाया, पुलवामा में जो शहीद है उनके लिए प्रोपगंडा चलाया, सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक होती है तो उनके ऊपर ये प्रोपगंडा चलाते हैं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के समय एक ट्यून किट चला था, इसमें मियां खलीफा एक पोर्न स्टार है, उनके ट्वीट को भी ये लोग रीट्वीट कर रहे थे। बताइए शर्म का विषय है ये प्रोपगंडा चलाना, देश की छवि को खराब करना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये अभी भी चाहते हैं कि देश के अंदर देश की छवि को, मैं आप दोनों को रोकूंगा, ऐसे बहुत मुश्किल है, सब एक दूसरे पर बोलेंगे तो आवाज नहीं जाती। आलोक जी आप जिम्मेदार हैं, मनोज जी आप जिम्मेदार हैं, आप दोनों समझते हैं। अफसोस मेरा वक्त यही खत्म हो गया है, 99% लोग मानते हैं कि ट्विटर पर यह कार्रवाई उचित है। फिलहाल एक ब्रेक।